म्यूजिक ऑफ हो चुका है और यहाँ पे ये इनको तो सब जानते ही हैं तो हमने भी इनकी क्लास ज्वाइन की है और ये देखिए ये एक्सरसाइज चल रही है। तो मैम आपका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है और ये देखिए, तो ये थी वो जगह, मैं आते ही नहीं दिखा पाई तो अब जाते टाइम मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे गाड़ी को सीक्वेंसली लगाया हुआ है आदि ने और उसके ऊपर रखी हुई है अपनी ये चॉकलेट, मुझे नहीं पता ये कहाँ से निकाल के लेके आया है। और यहाँ से ना उसने सब चीज़ें हटा दी हैं, बस अब तो वाटर बॉटल भी हट गई है, सिर्फ मेरी एक सिरप रखा हुआ है और जब भी मुझे पेन वेन होता है तब लिया जाता है, ये होम्योपैथी में ही है। और पूरी टेबल पे उसके टॉयज हैं आजकल और कोई ये नहीं है। और अभी मैं इस टेबल को टच भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आदि का बैग आ जाता है स्कूल से आने के बाद। तो ये देखिए स्पाइडरमैन वाला आदि का बैग है और मैं इसको नहीं टच कर रही क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लीनिंग में तो लगना ही है, उनका अभी थोड़ा टाइम और खींच देती हूँ तभी लगूँगी और यही सब डेली मेरा रहता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होने जा रही है और आप देख सकते हैं आदि रेडी है स्कूल जाने के लिए। हम सब यहाँ पर हैप्पी और हेल्दी हैं, आई होप सो आप भी हैप्पी और हेल्दी होंगे, अपने डेली रूटीन में लगे हुए होंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है किसका रूटीन कैसे चलता है, लेकिन हाँ जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका रूटीन से मेरे वाला होता होगा। और मैं ये नहीं बोलूँगी, हाउसवाइफ की सबसे बड़ा रोल होता है लाइफ में कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जग के लग जाती है और नाइट लेट नाइट तक उनके वर्क नहीं होते हैं तब भी उन्हें ये रहता है मॉर्निंग की कुछ प्रिपरेशन करनी है, ये करना है, ऐसे करना है। तो कुछ से मेरा वे हो रखा है, इसीलिए मैं मम्मी चाची बुआ इन लोगों की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है कि हाँ हम तो एक आदि को संभालना हार्ड हो जाता है और उन्होंने हम सब भाई बहनों को कैसे संभाला, कैसे सब भी। और आजकल तो ना हमारे पास इतनी गजट्स फैसिलिटीज़ हैं और उस टाइम पे देखो मैं ये नहीं बोलूँगी इतना ज़्यादा नहीं था किसी भी चीज़ का। और तो चलिए मॉर्निंग का मैंने मोस्टली रूटीन अपना कर लिया है, नाश्ता बना दिया है। और रियल में मेरे जैसे कितने पेरेंट्स हैं प्लीज़ बताइएगा, मॉर्निंग में एकदम मैं दाल बॉयल नहीं कर सकती हूँ, लंच बॉक्स में दाल नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आदि को खाने में थोड़ा स्कूल में छोले राजमा ये तो खा भी लेता है और चीज़ों का इशू होता है। और अरबी भी ये बहुत मुश्किल से खा रहा है, जब से अब की बार ये जुलाई में स्कूल ओपन हुआ है ना, ये सबसे बड़ा हेडेक हो रखा है मेरे लिए कि लंच बॉक्स में देना क्या है। भिंडी बिल्कुल नहीं खा रहा है, बीन्स इतनी अच्छी आ नहीं रही हैं, बैंगन गर्मी है और कोफ्ते वगैरह का ये होता है मॉर्निंग में। मैं ट्राई करूँगी वैसे कल अगर हो पाया तो, मॉर्निंग में बनाना थोड़ा हो जाता है इशू। तो फिर वही आलू में वेरिएशन देनी होती है या अरबी रह जाती है। भिंडी बनाओ तो उस दिन इसके लिए मसाले का पराठा बनाना होता है, मैगी मसाले की लेयर दे के बस वही जैसे नमक अजवाइन का बना देते हैं। तो आदि को आलू दो तो वो हैप्पी हैप्पी खा लेता है। और दोपहर में आप सबको पता है हम लोग बोलते हैं दाल चावल, इसे चाहिए होता है दाल बप्पा, दाने बप्पा। इसकी लैंग्वेज पता नहीं कब जाके इम्प्रूव होएगी, ये बच्चा फर्स्ट में आने वाला है। तो मैंने मॉर्निंग का मोस्टली वर्क फिनिश कर दिया है, अब आकर के अभी तो मैंने साबूदाना डिप किया है, खीर बनेगी या खिचड़ी बनेगी वो टाइम बताएगा। और चलिए बने रहिएगा, मैंने अभी तक जो भी किया है या आगे जो भी कुछ करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना प्यार सब बनाए रखिएगा और मेरी रिक्वायरमेंट भी है वो। हेलो फ्रेंड्स, और हम आ चुके हैं किचन में, कुकर आ चुका है गैस पर, हमने हींग और जीरा डाल दिया है, हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी और मैंने आलू कट कर लिए हैं। भिंडी में ज़्यादा टाइम लगता, वॉश करना मैं भूल गई थी तो मुझे लगा यही इजी है और मैंने आलू कट कर दिए हैं क्योंकि आदि के लिए तो फिर भी मुझे कुछ और ही सोचना पड़ता, आदि भिंडी नहीं खाता। और आजकल वर्कलोड होने की वजह से हमारे बैंड बजे हुए हैं और आजकल जब जगने की टाइमिंग होती है ना, देखिए मैंने सारे मसाले ऐड करके आलू ऐड कर दिए हैं, बस अब लीड लगानी बाकी है। तो मैं आप सबको बता रही थी कि जब उठने की बारी आती है हम लोग सोचते हैं हमें 30 मिनट्स और मिल जाते। और ये देखिए मैंने आलू के लिए धनिया पत्ती कट कर दी है, आटा लगा दिया है और साथ ही मैंने लेके आई हूँ अपनी
दो मेडिसिन जो कि मुझे मॉर्निंग में लेनी होती है, और यहाँ पर ले चुकी हूँ मैं पानी, और इस पानी में 1/4 पानी में लेनी होती है। तो फर्स्टली मुझे ये वाली लेनी है, रेड लीड वाली, और सेकेंडली लेती हूँ मैं ये डेली, मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन है। आज आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये भाग अनभाग होती है, नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद रखती हूँ मैं चाय बनने के लिए, ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर चाय में बॉयल आने वाला है, और उधर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ ऐसा है आज का मेरा रूटीन, भाग अनभाग वाला ही रहता है डेली। और ये वॉल्यूम प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वॉल्यूम है इंडक्शन की। और ये वाला फल याद है ना आप सबको, जो मैंने कल दिखाया था, इस फल को बोलते हैं खटल बटल, खट्टा मीठा। और फिर इन्होंने हमें प्रॉपर नाम बताया, और हम एक खा चुके हैं, एक आज आप लोगों के साथ इसका प्रॉपर पूरा वो शेयर करेंगे कि हाँ कैसा होता है और क्या है ये फ्रूट। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, ये हमारे टेस्टी से आलू रोटी और चाय। तो यही है हमारा नाश्ता सिंपल सा, क्योंकि आदि ना भिंडी नहीं खा रहा है, अभी तो खा लेता है। और फिर क्या बनाऊँ ऐसा, आलू बैंगन, बैंगन गर्म होते हैं, बीन्स भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर आलू को ही वेरिएशन दे देती हूँ, और क्या करूँ। और करना पड़ता है बच्चे के लिए, वो पूरा टाइम स्कूल रहेगा, फिर भूखा रहे क्या फ़ायदा है। तो चलिए देर ना करते हुए हम उनको देते हैं नाश्ता, और फिर लंच बॉक्स पैक करते हैं। और ये देखिए मैंने आदि का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है, यहाँ पे है सब्जी, पराठा, बनाना, लास्ट बनाना था, बनाना भी आएंगे। और मैंने बाकी नाश्ता बना दिया है, अब मुझे क्लीन करना है काउंटर टॉप, और आदि को जगाना है। तो चलिए बने रहिएगा जैसे भी होता है, और फ्रेंड्स जो भी दे पा रही हूँ उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर और वर्कलोड है, समझ नहीं आता कौन सी वीडियो शूट करनी है और कौन सी छूटनी है। और आजकल जो वर्कलोड होता है, प्रेशर खुद ही आ जाता है, और बॉडी साथ नहीं देती है। तो चलिए फास्टली फास्टली ये क्लीन अप करके आदि को जगाते हैं, और फिर रेडी होकर के चलते हैं आदि को छोड़ने स्कूल। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आदि आ चुका है स्कूल से, और मैंने पहले 10 मिनट बैठ के ना रिलैक्स किया है। प्लीज़ कोई कहीं से बारिश भेजो, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, हालत ख़राब। तो पहले रेस्ट किया थोड़ा, अभी बेटर फील कर रही हूँ, तो सोचा चलो वीडियो की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और अब बनाना है लंच, लंच में हम बनाने जा रहे हैं क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़े आलू रखे हुए हैं जो सुबह बनाए थे, एक कटोरी दाल भी रखी है, थोड़ी चावल भी रखे हैं, और आटा निकाल लिया है मैंने, साबुदाना डिप किया हुआ है। तो साबुदाना मैं सोच रही हूँ शाम में चाय के टाइम पर बना दूँगी, साबुदाने की खिचड़ी और थोड़ी सी खीर बन जाएगी, दही भी है। तो अब मैं बना देती हूँ रोटी, सैलेड हो जाएगी, दाल फ्राई कर देती हूँ, और सब कुछ हो जाएगा, बस ये सब फिनिश कर लेते हैं, शाम को देखते हैं क्या बनती है। लौकी, लौकी बनाने का हो रहा है, लौकी बना दूँगी, और भिंडी, और उधर आदि के लिए मुझे भुट्टा भुनना है, आदि को भुट्टा चाहिए, मेरे को भुट्टा खाना है। और आदि ने आके पहले पानी वानी पिया, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके, आदि तो बन गया है फिश, पहुँच गया है टब में, और बाथरूम के अंदर पानी पानी हो रहा है, तो ये चल रहा है उसका। और बस यही है अभी तो, फिर आदि का होमवर्क कराना है, और आज मेरा फ़ोन खो गया था, मुश्किल से मिला है, भूल गए थे मतलब रख के, कहाँ रखा हो गया, तो ढूंढ मच रही थी, और मुझे लग रहा था मैं बस मेरी वीडियो तो हो गई आज की। और वैसे भी मैं आदि की वजह से स्क्रीन लॉक करके नहीं रखती हूँ, तो अब मुझे आज ही लगा कि अब तो मुझे अपना पैटर्न लॉक करना ही पड़ेगा फ़ोन में। तो चलिए आगे जैसे जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप सब बताइएगा आपके यहाँ पे गर्मी मौसम का क्या मिजाज है। मौसम ने तो सच्ची में बैंड बजाई हुई है, सुबह स्कूल लेके जाना तो भी हार्ड, और उधर से लेके आना तो बहुत ही हार्ड होता है। आज तो मुझे छाते की भी याद आ रही थी,
तो जैसे कि सब जगह बारिश सुन रहे हैं, बस यहाँ पे रुड़की में कोई बारिश का नाम नहीं है। एक दो दिन हुआ मौसम अच्छा और फिर कल भी इतना सफोकेटेड लग रहा था और आज फिर से यही हो रखा है। मॉर्निंग से ही था आज, तो खैर क्लाइमेट क्लियर हो रहा था कि हाँ इस टाइप से हो रखा है। और आदि का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आदि की हालत। चलो मैं दिखाती हूँ आदि को भी और फिर चलते हैं किचन में, देर ना करते हुए अब बनाते हैं लंच। हम किचन में आए हैं लेकिन काम तो अभी बाद में करेंगे। पहले मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको ये फ्रूट दिखाऊंगी, तो ये है वो फ्रूट जिसे बोलते हैं खडल बडल, और ऐसे कुछ ये निकलता है और ये कंदमूल फल में आता है। और जब राम जी में भी वनवास गए थे तो बेर और ये इस टाइप के फ्रूट्स खाए थे उन्होंने। और देखिए कुछ इस टाइप से इसके अंदर से सीड्स भी निकलते हैं, और वो जब खाओगे ना आप तब ये देखिए, ये यहाँ पे सीड्स भी है ये रहा, और ये निकलेंगे बटन के जैसे। तो मुझे फुल्ली डिटेल आपको इस फ्रूट की देनी थी। और खट्टा मीठा अगर लोकार्ट खाए हैं आपने, सेम उसी टाइप का टेस्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू अंजलि मैम कि उन्होंने हमें ये फ्रूट टेस्ट कराया और खिलाया। अद्विक को बेहद पसंद आया, मैं अद्विक के लिए ही तोड़ रही थी। वन साइड लेयर दे दूंगी आदि को, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते हैं ये, फिर गला ख़राब हो जाता है। तो इससे ज़्यादा मैं इस फ्रूट के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकती हूँ। और जिसने भी ये फ्रूट खाया हुआ है प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। देखिए आदि का तो लंच रेडी हो गया है। ये है चावल, आलू लिए हैं साथ में इसने, और दही ली है। उसने बोल दिया दाल मुझे आज नहीं खानी है, तो कोई नहीं, चलिए दाल फ्राई करके मैं इनको दे दूंगी। और अभी भी आलू काफ़ी सारे बचे हुए हैं जो कि मैं आपको दिखा दूं, ये इतने सारे, तो हमारे लंच का इजीली हो जाएगा। इसीलिए मैं अब कुछ नहीं बना रही हूँ, और बस प्याज और कट करनी है, आदि को भी देनी है। तो चलिए देर ना करते हुए आदि को सर्व करते हैं उसका लंच, और वो पता नहीं कैसे खाने वाला है बच्चा, उसकी माया को वही जाने। हे प्रभु आप ही जानो इस बच्चे को, इसके माइंड में कब क्या चलता है कुछ समझ नहीं आता है। तो चलिए आदि को लंच देने के बाद अपनी रोटी लगाते हैं और फिर हम लोग भी खाना खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब से आदि स्कूल से आया है लंच वगैरह करके, मैंने थोड़ा सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आदि भी सो जाएगा, फिर होमवर्क करा दूँगी। लेकिन हुआ उसके अपोजिट, किसी की कॉल आई और आदि ने मुझे, मतलब मेरी आईज ओ क्या बोलूँ, आँख लगी ही थी कि आदि ने मुझे जगा दिया। और मेरा तब से सर इतना भारी हो रहा है, मैंने ढेर सारे वर्क भी कर दिए, मशीन में कपड़े डाले, राउंड लगा दिए, बर्तन इकट्ठे कर दिए, जो मैं डायरी मेंटेन करती हूँ उसमें एक्स्ट्रा जो भी लिखना था वो सब नोट डाउन कर दिया, पिछला क्लियर कर दिया, सब कुछ मतलब जैसे होता है। अभी मैं आप सबको वो नहीं दिखाई है, ना उसके बारे में कुछ कन्वर्सेशन कभी हुआ है इस टाइप से। तो ये इतना सारा वर्क भी कर डाला, और अभी मैं किचन जा रही हूँ क्योंकि आदि जग चुका है। आदि को मैंने सुला दिया था फिर 4:25 में भी, और अभी हो रहा है 5:20, 1 आवर आदि लगभग सोया है, तो उसके लिए मैं भुट्टा भूनने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ऐसा कभी कभी किसके साथ होता है बताइएगा। और मेरा तब से रसोई इतना भारी हो रहा है, किसी भी वर्क को कम्प्लीट करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अभी पहले ये आ जाए, ये गए हुए किसी काम से बाहर, फिर चाय पी लूँ, शायद थोड़ा बेटर फील हो जाए। तो चलिए जैसे भी आगे होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये फ्रेंड्स हम आए हैं किचन में, आदि के लिए आए हैं ये भुट्टा रेडी करने के लिए। तो मैंने इसको ना देखिए सेक तो दिया है गैस पर, अब इस पर मैं लगाती हूँ नींबू, ले लिया है नमक, नींबू और हल्की सी काली मिर्च लगाऊंगी, मतलब ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए देर ना करते हुए इस भुट्टे को रेडी करते हैं आदि के खाने के लिए। और अभी बाकी सब एजेटिच है, मैंने मशीन में कपड़ों को राउंड लगवा दिया है जो कि मुझे पानी से निकालने हैं, और थोड़े बर्तन रखे हुए हैं वो क्लीन करने हैं, और फिर इवनिंग हो चुकी है। तो ये अभी बाहर गए हैं, चाय वगैरह सब बाद में बनेगी, जैसे ही आते हैं चाय रेडी करनी है और उसके बाद सब्जी वगैरह लेकर आएंगे। तो चलिए किस किस को भुट्टा पसंद है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी चाय, आइए इंजॉय कीजिए चाय को। और साथ ही मैं बिस्किट वगैरह दे के आ चुकी हूँ अंदर, और गर्मी हो रही है अच्छे वाली, लेकिन क्या करें, चाय के बिना तो काम ही नहीं चलता है ना।
और कौन कौन है मेरे जैसे जो चाय पिए बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं किचन में और मैंने पैन में डाल दिया है जीरा, अजवाइन, यहाँ पे मैंने कट की हुई है प्याज और यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी। और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। एक्सपेरिमेंट किया तो आप बने रहिए, आपको एक्सपेरिमेंट का पता चल जाएगा। मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं लेकिन हल्दी नहीं ऐड की है। और यहाँ पे कट किया हुआ है आलू, तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके बना रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए प्याज हो चुकी है सॉफ्ट। अब हम हल्की सी हल्दी ऐड करेंगे और लास्ट में मिलाएंगे इसमें मैगी मसाला, बस उससे पूरा फ्लेवर एकदम टेस्ट अच्छा हो जाएगा और आलू की वजह से आदि भी खा पाएगा। वैसे मुझे नाश्ते में बनानी है कल सुबह, लेकिन मेरा मन हुआ कि अभी मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने अब साथ में हो जाएगी दही और बना डाली। और ये देखिए मैंने हल्दी डालते ही ऐड कर दिया है आलू, और थोड़ा आलू को हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें ये भिंडी, और तब तक मुझे आटा लगाना है। और इतना मेरी ये वेजिटेबल रेडी होगी तभी मुझे जल्दी से बनानी है रोटी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर आज मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं एक नया रूटीन शुरू करने वाली हूँ, जो कि आपसे तो डेफिनेटली मैं शेयर ही करूँगी। अगर सक्सेस मिली तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी और आगे उस रूटीन को फॉलो करने का ट्राई करूँगी। और जब आलू कुछ इस पोजिशन में आ जाए तो अब हमें ऐड कर देना है इसमें भिंडी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें भिंडी भी मिक्स कर दी है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा। आपको मेरे हाथ से क्लियर हो रहा होगा, देखिए मेरे आटे के हाथ हो रखे हैं और मैंने आटा छान के यहाँ पर रख दिया है। तब तक मेरी ये सब्जी रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऊपर से डला हुआ दिखाई दे रहा है तो ये मिक्स किया है मैंने मैगी मसाला, और मेरी भिंडी बनकर हो गई है रेडी। और दूसरी साइड मैंने बनाना स्टार्ट किया है रोटियाँ, तो जल्दी से मैंने बना दिया है अपना डिनर और साथ में होगी दही। तो ये मेरा डिनर है और मुझे जल्दी क्यों लगी है वो मैं अभी आपको बाद में बताने वाली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाना वगैरह बनाकर पैक कर दिया है। अभी बर्तन क्लीन नहीं किए हैं जो भी धोए हुए हैं, तो अभी हम चल रहे हैं कहीं, तो मैं लेके चलती हूँ, बने रहिएगा, जा कर के पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी डिनर थाली, तो इसमें है भिंडी की सब्जी, दही और रोटी। तो अब देर ना करते हुए एक हरी मिर्च साथ में है, तो हम डिनर इन्जॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जो भी जैसे भी होगा आपको बताते हैं हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे और किस रीजन से गए थे। चलिए फ्रेंड्स, हम वापस आए हैं किचन में और मैं रख रही हूँ आलू बॉयल होने, जो कि मैं सुबह जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आलू बॉयल होने रख रही हूँ, साथ ही जो अभी ये बर्तन हुए हैं सब, ये सब क्लीन करने वाली हूँ। और हमने वो फ्रूट्स जो आए थे दो आज फिनिश कर दिए हैं, लास्ट था। तो चलिए ये सब वर्क करती हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, मैं सब वर्क करके फ्री हो गई हूँ, बस आलू बॉयल होने लग रहे हैं, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गया है। और आप सोच रहे होंगे मैंने जो वो छोटा सा क्लिप लिया है, छोटू सा, कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है वॉक करने के लिए। वॉक में ये नहीं, अर्ली मॉर्निंग चलती हूँ फिर भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, आप समझ सकते हैं। इन्हें स्कूल जाना होता है, झाड़ू पोछा ये सब आती छोटा है, तो वो एक प्रॉपर वे में नहीं जा पा रही है। मैं करती हूँ और कंटिन्यू रखूँगी जितना मेरे से हो पाती है। लेकिन साथ ही वहाँ पे ना आदि के स्कूल में ही शाम को 7 बजे जो लक्ष्मी मैडम है, एक्टिविटी टीचर और डांस टीचर, वो करा रही है मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह। तो उन्होंने बोला आ जाना, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम जाके देखा है। और काफ़ी मतलब बच्चे भी जा रहे हैं जिनको डांस सीखना है, गर्ल्स बॉयज, उसके साथ साथ लेडीज़ काफ़ी होगी हैं, 7-8 लेडीज़ भी होगी हैं, और उनका चार्जेस भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज मेरे माइंड में आया कि चलो चल कर देखते हैं, तो मैं वहाँ पर गई और अपने आप में ही ना एक लाइट फील करते हो। तो मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू कर लेती हूँ, हो पाता है नहीं हो पाता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या टाइम बताएगा, कंडीशन हमारी। लेकिन हाँ, आज मैं वहाँ पे गई थी फर्स्ट डे, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देती हूँ। डिनर वगैरह सब हो चुका है, मोस्टली वर्क मैंने फिनिश कर दिए हैं
और मॉर्निंग से चली आ रही इस वीडियो में जितना भी मैं दिखा पाई, जैसे अद्विक का होमवर्क कराया वो बिल्कुल आज दिखा नहीं पाई हूँ, और कपड़े वॉश किए वो नहीं दिखा पाई हूँ। डिनर भी मैं भागम भाग वाला दिखा पाई क्योंकि मेरे माइंड में था मुझे वहाँ चलना है। तो चलिए जितना भी है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ कुछ नया दिखाने और कर गुजरने की चाह में। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।